गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री टैरो। तो आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग लाई हूँ और टॉपिक ये है कि आप में ऐसा क्या है जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं, यानी आकर्षित फील करते हैं। तो ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सभी से रेजोनेट करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कर ही जाती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना ही आपके। तो ऐसा आप में क्या है जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फील करते हैं। तो ऐसा क्या है आप में, मेरे व्यूवर्स, ऐसा आप में क्या है जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते हैं, आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाते हैं, एक ऐसा पुल फील करते हैं जो उनके लिए भी मुश्किल होता है अपने आप को कंट्रोल करना। तो चलिए देखते हैं। क्या है ऐसा आप में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो ये पार्टनर आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। द चैरियट, ऐसा आप में क्या है जिससे आपके पर्सन आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक पुल फील करते हैं? तो ये पार्टनर आपके वर्किंग प्लेस से हो सकते हैं, आपके पार्टनर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं, एरिज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, और कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं? क्योंकि जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं तब से उनकी डेस्टिनी ही बदल गई है। जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं, आप उनके लाइफ में एक गुड चार्म बन के आए हैं, एक लकी चार्म बन के उनके लाइफ में आए हैं। जब से आप उनके लाइफ में आए हैं, उन्होंने जीना सीखा है, उनका जो इनर चाइल्ड वूंड्स है वो हील हुआ है कहीं ना कहीं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के, मतलब हो सकता है कि आपके पर्सन कम एज में ही बहुत रिस्पॉन्सिबल हो गए होंगे घर के हालात देख के, यानी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके कंधे पर होगी और कम एज में उन्होंने घर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, जिसके वजह से उनके इनर चाइल्ड जो वूंड्स थे कहीं ना कहीं वो इस सफ़र में उन्हें स्ट्रगल दे रहे थे, यानी इस जीवन के सफ़र में उन्हें बोझिल बना रहे थे, बहुत बर्डन फील करा रहे थे। लेकिन आपके आ जाने से इनके जीवन में बहुत ज़्यादा, जिसे कह सकते हैं, मेजर चेंजेस इनके लाइफ में आए हैं, और वो भी पॉजिटिव वे में। इन्होंने जीना सीखा, इन्होंने हंसना सीखा, एक हैप्पीनेस फील हुआ है, ऐसा लगा कि आप जब से इनके लाइफ में आए इनकी दुनिया ही बदल गई, ये बच्चे बन गए फिर से, क्योंकि इनकी इनर चाइल्ड हीलिंग हुई है आपसे। ये छोटे छोटे चीज़ों के लिए क्यूरियस हो जाते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को जानने के लिए बहुत बच्चे जैसे जिद करते होंगे, या फिर बचपना इनका जो है खुल के बाहर आया आपकी वजह से, क्योंकि आप भी उनके साथ जो है बचपने जैसी, यानी कि चाइल्डिस्ट वे में इनको ट्रीट करते होंगे, और वो भी आपको चाइल्डिस्ट वे में ट्रीट करते होंगे, जिसके वजह से ये जीवन को जीना सीखे, हर चीज़ को जानने के लिए, हर चीज़ को सीखने के लिए इनमें क्यूरियोसिटी जो है जागी। जीवन क्या है इसका मीनिंग भी इन्होंने समझा, और जीवन को कैसे चलाना है इसके लिए लर्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, जो आपके पर्सन में क्यूरियोसिटी के माध्यम से वो अवेकन हुए।
कि उन्हें जीवन को कैसे आगे बढ़ाना है। आपके लिए वो इसलिए भी अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि आपने उन्हें सिखाया है, आपने उन्हें बताया है कि लाइफ में कितने भी चैलेंजेस क्यों ना हो लेकिन एक विल पावर होना चाहिए उसे डील करने के लिए। क्योंकि यहाँ चैरियट है और यहाँ क्यों नहीं, ऑफकोर्स है। लाइफ में आपने उन्हें दिखाया कि लाइफ में आपके भी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे या फिर आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, तो आपने अपने पर्सन को बताया है कि लाइफ में स्ट्रगल होते हैं लेकिन जीना नहीं छोड़ते हैं, हंसना नहीं छोड़ते हैं, प्यार करना नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल पार्ट है अपने लाइफ का। तो आपने अपने पर्सन को ये बताया है कि प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल प्यार होता है, ज़रूरी नहीं है कि किसी को पाना ही प्यार है, किसी से एक्सेप्टेशन रखना ही प्यार होता है, ऐसा नहीं है। प्यार अगर हम दो दूरी पर भी हों और हमारी सिचुएशन कैसी भी हो, लेकिन अगर हम दोनों एक दूसरे के लिए एक अनकंडीशनल वे में चाहते हैं तो कोई ना ही उम्मीद है ना ही कोई टेंशन है और सारे चैलेंजेस जो है वो इजी वे में स्मूथ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो आपने अपने पर्सन को सिखाया है कि कितने भी लाख चैलेंजेस आपके लाइफ में हो, स्ट्रगल हो, लेकिन आपके पास अगर विल पावर है, आपके पास डेडिकेशन है और आपके पास ख़ास तौर से अनकंडीशनल वे में आप उसको डील कर रहे हैं कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके लिए अच्छा होगा, उसमें अटैचमेंट नहीं है। आपने अपने पर्सन को प्यार करना सिखाया, प्यार का असली मीनिंग सिखाया। आपने अपने पर्सन को सिखाया है कि आप ये हो सकते हैं कि वर्किंग प्लेस के आपके पार्टनर हो, तो आपने उन्हें वर्किंग प्लेस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया है जहां वो बहुत अटकते होंगे, लेकिन आपने उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस को डील करना बताया होगा। आपने उन्हें बताया होगा कि काम में भी कितना डेडिकेशन होना चाहिए, कैसे कोलैबोरेट होकर लोगों से जुड़ के काम किया जाता है, लोगों के प्रति क्या होना चाहिए, मतलब एक देखने का प्रोस्पेक्टिव आपने इन्हें चेंज कराया है जिसके वजह से ही आपकी तरफ बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है और वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी देखते हैं, इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। आप में वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि आप उनके लाइफ के वो पार्ट ऑफ द लाइफ हो जो उन्हें एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनाया है, एक जीवन को देखने का एक तरीका बताया है, काम करने का तरीका बताया है, मोरल ऑफ लाइफ बताया है। अभी हो सकती है कि आपकी बातें भी इनसे ना हो रही होगी, यानी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, इसके लिए ये एंजाइटी भी फील करते होंगे क्योंकि आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, वर्क प्लेस से आप दोनों एक दूसरे से मिले होंगे। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन या आप इनसे मूव ऑन भी हो चुके हैं, यानी इस रिश्ते में मूव ऑन भी आप दोनों एक दूसरे से हो चुके हैं, फिर भी वो आपके लिए बहुत अट्रैक्शन एक फील करते हैं। इसकी वजह ये भी है कि आप जो है, अगर आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते को बनाने के लिए, आपको ये पता है, जिससे आपके पर्सन बहुत मोटिवेट भी होते हैं। और इनकी वजह ये भी है कि आपको जीवन में कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ ज़रूरी होता है बोलना और कहाँ नहीं ज़रूरी होता है बोलना, ये बताया है। हार्ट ब्रेक अगर हुआ है तो हीलिंग कैसी करनी चाहिए ये बताया है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना चाहिए ये बताया है, जीवन में जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती है उसे छोड़कर लेट गो करके आगे कैसे निकला जाए ये सिखाया है आपने, जिसके वजह से वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं और अट्रैक्शन भी फील करते हैं क्योंकि आपने उन्हें आगे बढ़ना सिखाया है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें छोड़कर जो आपके सोल को, जो आपके हायर सेल्फ को सर्व नहीं करता है उसे छोड़कर आगे बढ़ना, लेट गो करना सिखाया है, जो सबसे मुश्किल होता है लेट गो करना, किसी भी पर्सन को छोड़ना या फिर ब्रोकन हार्ट को हील करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आपने ये बताया है क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी हो सकती है
कि इस पर्सन से आपकी बातें नहीं हो रही होगी और ये पर्सन आपकी यादों में बहुत एंजाइटी फील करते हैं। रात की नींद इन्हें गायब इनके रातों की नींद इनकी गायब रहती है, लेकिन आप मूव ऑन हो चुके हैं, ये भी मूव ऑन हो चुके हैं, लेकिन आपने एक मैसेज इन्हें दिया है जिसकी तरफ ये एक अट्रैक्शन फील करते और आपकी तरफ ये आएंगे भी, आपकी तरफ जैसे ही अपने हार्ट को हील करेंगे ये आएंगे। आपके पर्सन इसलिए भी आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि आपने इन्हें सिखाया है कि हर एक रिश्ते में अगर उसका बेसिक फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो उसके लिए स्पेस देना बहुत ज़रूरी होता है। आपने उन्हें बताया है कि स्पेस कितना इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते को स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगर एंड स्ट्रांगेस्ट बनाने के लिए, यानी कि सबसे अगर बेसिक फाउंडेशन अगर मजबूत हो इसके लिए आपके पार्टनर को स्पेस देना ही होगा। अगर वो कंफर्टेबल आपसे नहीं है तो, या फिर उसे सोचने का मौका चाहिए तो, या किसी भी प्रोस्पेक्टिव में अगर उसका हार्ट ब्रेक हुआ है तो, आपने उन्हें मौका दिया है, आपने वो उन्होंने जो भी डिसीजन लिया, अगर आपसे बातें नहीं कर रहे जो भी डिसीजन लिया तो आपने उन्हें मौका दिया, एक स्पेस दिया है, ठीक है भाई तुम देख लो समझ लो, तुम्हें अगर ऐसा लगता है तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। जीवन जीने का नाम है, ना कि किसी चीज़ को होल्ड करके रखने का नाम है, आगे बढ़ने का नाम जीवन होता है, लेट गो करके। जितना जीवन जितना डेस्टिनी था हम दोनों का एक साथ, हमने जिया, अब नहीं है तो लेट गो। तो आपने उन्हें स्पेस दिया है, आपने उन्हें जीना सिखाया है, आपने उन्हें आगे बढ़ना सिखाया है। जो चीज़ें आपको नहीं, आपके सोल लेवल को सर्व नहीं करती, आपके हायर सेल्फ को सर्व नहीं करती, उसे छोड़ के कैसे आगे बढ़ना है। चलिए देखते हैं, क्यों आपकी तरफ वो आकर्षित होते हैं। वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं गाइस, वही कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। आपने उन्हें वही, यहाँ कॉन्शियसनेस है, पोस्टपोनमेंट है एंड कंप्लीशन है, माइजर है। तो आपने ये बताया है कि स्पेस देना क्यों इम्पॉर्टेंट है, आपने बताया है कि कॉन्शियसनेस कितना ज़रूरी होता है किसी भी रिलेशनशिप को ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए, लॉयल बनाने के लिए कितना ज़रूरी होता है, कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप बात ही नहीं करोगे तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। आपको कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लड़ाई झगड़े से ज़्यादा अच्छा होता है बातें करके एक जगह बैठ के उस मैटर को सुलझा लेना, क्योंकि अगर आप चुप रहेंगे तो आप कुछ भी उनके बारे में सोचते रहेंगे, वो भी सोचते रहेंगे। तो उससे अच्छा है कि एक जगह बैठिए और खुलकर यानी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। तो आपने उन्हें ये बताया है, एक कम्युनिकेशन स्किल भी आपने उन्हें दिया है कि कैसे क्लियरिटी से आगे बढ़ना चाहिए, जीवन में कितना क्लियर रहना ज़रूरी है। इतना कन्फ्यूज़न रखना अपने लाइफ में ज़रूरी नहीं होता है, क्योंकि किसी को भी कन्फ्यूज़ करके रखो और ख़ुद भी कन्फ्यूज़ रहो और उसमें टाइम जो है टाइम कितना भी लेते रहो, ठीक है आपको सोचने का मौका चाहिए, ठीक है बोल दीजिए मुझे सोचने का मौका चाहिए, सोचूंगा समझूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। लेकिन किसी को बिना क्लोज़र दिए आप इस तरीके से अगर कम्युनिकेशन कट कर देते हैं तो फिर वो रिश्ता जो है स्पॉइल हो जाता है, पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है। और इस रिश्ते को सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो आपके पर्सन ने ही सेल्फ सेबोटाज किया है इस रिलेशनशिप को। तो
तो आपने बताया है आपकी तरफ वो इसीलिए आकर्षण फील करते हैं क्योंकि आपने उन्हें बताया है कि कम्युनिकेशन कितना इम्पॉर्टेंट होता है, क्लियरिटी कितना इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह रातों की नींद गायब होने से अच्छा है कि बातें ही कर ले, बातें ही खुल के बातें कर ले, क्या आपको पसंद है, क्या आपको नहीं पसंद है, कैसे आपको चलना है नहीं चलना है, खुल के बातें कर ले। क्योंकि ये यहाँ नाइन ऑफ सोर्स है, नाइन ऑफ सोर्स मीन्स रातों की नींद गायब, एंजाइटी, डिप्रेशन, उससे अच्छा है खुल के बातें कर ले। इसीलिए वो आपकी तरफ अट्रैक्शन भी फील करते हैं, आपकी तरफ इसलिए भी अट्रैक्शन फील करते हैं क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा है, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर अच्छी है और आपने उन्हें कंप्लीट किया है, कंप्लीशन है, कंप्लीट किया है, आपने उन्हें स्टेबिलिटी दी है, आपने उन्हें बताया है कि रिश्ते और किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए कितने साहस और विल पावर की ज़रूरत होती है। आपने उन्हें बताया है कि स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी होती है, आप कितना भी ऊंचा बढ़ जाए, ऊपर हो जाइए, लेकिन स्टेबल रहना ज़रूरी होता है, चाहे वो आपके थॉट से हो या फिर आपके कम्युनिकेशन में हो। आप जो भी बोलिए उसे कीजिए, यानी कि आपके बातों में वो वेट होना चाहिए, वो वैल्यू होना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं उसे आप करके दिखाएंगे, नहीं तो उतना मत बोलिए, ठीक है। तो आपने उन्हें स्टेबिलिटी बताया है कि अगर मैं ऐसा बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ तो मेरी बातों में दम है, मैं वैसा करूँगा भी, तुम देख लो, तुम देख लो, हवा 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 हवाई उड़ना नहीं है, मतलब इस धरती पे लाइट वेट वाली एनर्जी नहीं, स्टेबल एनर्जी रहनी चाहिए। तो आपने उन्हें बताया है कि जीवन में स्टेबल रहना कितना ज़रूरी है, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है। एक आपने उन्हें बताया है कि आप इतने नर्चरिंग केयरिंग पर्सनालिटी होने के बावजूद के अपने करियर में भी आप गोल ओरिएंटेड हैं, स्टेबल हैं, और ये भी बताया है कि इतने होने यानी कि आप फाइनेंशियल वाइज भी स्टेबल हैं, इमोशनल वाइज भी स्टेबल हैं, और आपने ये बताया है इन्हें कि इतना होने के बावजूद भी आप डाउन टू अर्थ हैं, ग्राउंडेड हैं, आप में किसी भी तरीके का घमंड नहीं है, आपके पास सब कुछ है, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप में नाम मात्र का भी घमंड नहीं है, ईगो नहीं है। ये इस पर्सन को बताया। अगर ये पर्सन किसी आपके वर्किंग प्लेस के बॉस हो या कोई हायर पोस्ट पे भी हो तो बताया है कि जीवन में आप ईगो किससे कर रहे हैं, जीवन में आपने पाया है लेकिन जीवन जीना सीखिए, जीवन जीवन जीने में जो मज़ा है वो ईगो में थोड़ी मज़ा है, ईगोइस्टिक हो के आप लोगों से अलग हो जाएंगे, ग्राउंडेड नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते। तो इन्जॉय करने के लिए जीवन, आपने उन्हें बताया है कि आप कितने स्टेबल हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में होने के बावजूद भी आप में इतना हिम्मत है कि आप लेट गो करके इन्हें स्पेस दे के जीवन में आगे बढ़े, इतना हार्ट ब्रेक होने के बावजूद भी इमोशनली आप स्टेबल हैं, इतना कुछ आपके लाइफ में इनके साथ घटा फिर भी आप स्टेबल हैं, चाहे वो फाइनेंशियल वाइज हो, इमोशनल वाइज हो, या फिर आपके लाइफ के ओवरऑल कंडीशन बहुत ग्राउंडेड हैं, बहुत नर्चरिंग है। यही वजह है कि लोग आपकी तरफ इजी वे में अट्रैक्ट भी हो जाते होंगे, इसलिए वो आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपकी तरफ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले अट्रैक्शन भी फील करते हैं, क्योंकि आप जो हो खुद के ऊपर फुल्ली रूप से फोकस हो, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करते हैं, क्योंकि अपने लाइफ में आप स्टेबल हैं। उनके मैसेजेस देख लेते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माइन, यू आर माई डेस्टिनी,
यू आर माई लक्की चॉम, जरूर, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आया है। यू आर माई डेस्टिनी, ओ माई गॉड, देखिए थ्री टाइम यहाँ डेस्टिनी का कार्ड। ऑलरेडी आपका रिश्ता जो है फेटेड कनेक्शन है, तो आप उनके लकी चार्म हैं वो मानते हैं। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड आई वॉन्ट टू मेक फैमिली विथ यू एंड आई वॉन्ट टेस्ट यू सोवर यू। तो वो आपको सेंसुअली भी इमेजिन करते हैं, आपके लिए सेंसुअली भी एक अट्रैक्शन फील करते हैं। आप उनके लाइफ के लकी चार्म हो, वो आपको अपना बनाना चाहते हैं, आपके बिना उनका जीवन अधूरा है। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, थैंक यू सो मच।